92.7 बिग एफएम पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनीता सिर्फ मिसेस कुमार की पड़ोसन ही नहीं बल्कि एक अच्छी दोस्त भी थी। अक्सर जिंदगी की कई बातें जो हम किसी से भी शेयर करने से पहले 100 दफा सोचते हैं, वही बात किसी दोस्त को बताने से पहले कभी नहीं सोचते। शायद इसीलिए दोस्ती का रिश्ता सभी रिश्तों से पक्का और खास होता है। सुनीता अपनी हर छोटी बड़ी बात तो नहीं, मगर हर वो बात जो उसे बेहद खुशी या बेतहाशा तकलीफ देती थी, उसे वो मिसेस कुमार के साथ ही बांटती। क्वालिफिकेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मगर पेशे से सिर्फ एक हाउसवाइफ है सुनीता, जिसकी ड्यूटी घर को संभालना, बच्चों की परवरिश करना और पति की सेवा करना है। घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सुनीता की ही होती। फिर चाहे वो प्लम्बर से घर का नलका फिक्स करवाना हो, या फिर बैंक मैनेजमेंट, या बच्चों के स्कूल और स्पोर्ट एक्टिविटी के अपडेट्स रखना, सुरेश सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी पर ही ध्यान देता। उसके हिसाब से पैसा कमाना सबसे बड़ा काम है, और जो बाकी सब काम सुनीता ने संभाले हुए हैं, उसकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं। इस बात से कई बार सुनीता को बुरा लगता, वो मिसेस कुमार से शेयर भी करती, मगर बात सिर्फ दो सहेलियों के आपस में जी हल्का करने तक ही रह जाती। आखिर मिसेस कुमार उनके फैमिली मैटर्स में बोलती भी तो क्या कभी मिसेस कुमार के इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। और फिलहाल सुनिए गीत गाता चल का ये गाना, ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, सुनीता मिसेस कुमार की पड़ोसन है और अच्छी दोस्त भी है। इंजीनियर होने के बावजूद सुनीता ने घर को अपनी प्रायोरिटी दी है। अब आगे, आज सुरेश ऑफिस से अपने कुछ दोस्तों को घर पर अपने साथ ही ले आया। सुनीता, ये लोग मेरे साथ काम करते हैं, तुम्हारे हाथ के बने पकौड़े इनके बहुत फेवरेट हैं यार। बारिश हो रही थी तो सोचा आज गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े भी हो जाएं। ये पहली बार नहीं था, कई बार बिना नोटिस दिए ही सुरेश अपने दोस्तों को घर ले आता और फिर सुनीता को एक के बाद एक ऑर्डर देता रहता। सुनीता को कोई प्रॉब्लम नहीं थी पकौड़े बनाने में, मगर आज सुबह से ही बुखार से बदन टूट रहा था, फिर भी उसने सुरेश के दोस्तों के लिए पकौड़े बनाए और चाय भी। बस एक चीज भूल गई। अरे भाभी जी, जरा धनिया पुदीना वाली चटनी तो लाइए, उसके बिना पकौड़ों में क्या मजा भला। सुरेश के एक दोस्त ने चाय की चुस्की भरते हुए कहा। घर में चटनी नहीं थी और इतने बुखार में हिम्मत भी नहीं थी। क्या हुआ सुनीता, ले आओ चटनी, सुरेश ने कहा। जी वो चटनी तो नहीं है और मैं बहुत थक गई हूँ सुरेश, आप प्लीज़ अपने दोस्तों से कहें केचप से खा लें, सुनीता ने धीमे से सुरेश को कहा, जिसे सुनते ही सुरेश ने आपा खो दिया। अपनी पूरी जिंदगी अपने सपने निछावर कर चुकी सुनीता इस बात को कैसे लेगी? और क्या सुरेश को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या सुरेश को सुनीता की नाराजगी का एहसास होगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। और फिलहाल सुनिए मासूम फिल्म का ये गाना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, सुरेश अपनी वाइफ सुनीता को बिना बताए दोस्तों को घर पर दावत के लिए ले आता है। सुनीता बीमार होने के बावजूद खातिरदारी करती है, मगर एक भूल हो जाती है। अब आगे, घर के छोटे मोटे काम ही तो होते हैं, वो भी नहीं होते तुमसे। रोज रोज थोड़ी कोई आता है, आज ये लोग आए हैं तो एक चटनी तक नहीं बनाई गई तुमसे। अपनी किट्टी पार्टी के मेन्यू तो बहुत अच्छे से प्लान करती हो तुम, मगर मेरे मेहमान अगर कोई फरमाइश रख दे तो बुखार का बहाना।
सुरेश ये सारी बातें बोल तो सुनीता को रहा था, मगर उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि बाहर बैठे उसके दोस्त भी सुन रहे थे। सुनीता अपनी बेइज्जती को अपने आंसुओं के साथ पी लेती है और किचन में जाकर चटनी बनाती है। रात को जब सभी गेस्ट चले जाते हैं तो सुरेश कमरे में आता है और देखता है कि सुनीता बुखार से तप रही है, पूरा शरीर ठंड से कपकपा रहा है। वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर बताता है कि सुनीता को निमोनिया हो गया है और उसे कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। क्या सुरेश सुनीता की इस हालत में उसका साथ देगा या सुनीता के मन को फिर से कोई अंधेरा छल जाएगा? मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ डटे रहिए और फिलहाल सुनिए बातों बातों में का ये गाना, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना मिसेस कुमार की पड़ोसन सुनीता पकौड़ों के साथ चटनी सर्व करना भूल जाती है, जिसके लिए उसे काफी सुनना पड़ता है। वो तेज बुखार में भी चटनी बनाती है। फिर दोस्तों के जाने के बाद सुरेश सुनीता को बुखार में तपते देखता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पता चलता है कि उसे निमोनिया है। अब आगे सुरेश अपने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले लेता है। घर में मेड होने के बावजूद इतने सारे काम होते हैं, शादी के 5 साल बाद सुरेश को समझ आया। सुबह से शाम तक कभी घर तो कभी बच्चों की डिमांड्स पूरी करते 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 सुरेश का हाल खराब हो गया। वो सुनीता के बराबर तो दूर उसके आसपास भी नहीं था घर संभालने में। बोल तो नहीं रहा था मगर सुरेश समझ जरूर चुका था सुनीता की वैल्यू। अब भाई घर संभालना कोई इतना आसान थोड़े ही होता है। अब क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस कुमार सुनीता के पड़ोस में ही रहते थे तो बिना बताए उसका हालचाल पूछने के लिए चले आए। और जनाब मजा तो तब आया जब मेहमान आज घर पर हैं और मेड आज घर से बाहर, मतलब मेड की आज छुट्टी है और बरसात के कारण कोई भी डिलीवरी के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए सुरेश को खुद ही चाय बनानी पड़ी। अब आता जाता कुछ है नहीं और होम मैनेजमेंट में अभी नए हैं सुरेश साहब, तो इसीलिए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि चाय के साथ रखने के लिए घर में कुछ है ही नहीं। इसीलिए आज सुरेश ने पकौड़े बनाने का रिस्क उठा लिया, जो जाहिर है अच्छे नहीं बने। बने भी तो या तो कच्चे रह गए या फिर जल गए। मगर जब पकौड़े सर्व हुए तो सुनीता ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अरे वाह, ये आपने बनाए? उन पकौड़ों की हालत जनाब कहीं से भी तारीफ के लायक नहीं थी, मगर सुनीता थी कि तारीफ करते रुक ही नहीं रही थी। आपको पता है भाई साहब, सुरेश पर अचानक इतना प्रेशर आ गया है, घर बाहर सब यही संभाल रहे हैं, ऊपर से मेरी सेवा भी। पहले लगता था कि मैं लकी हूं, मगर अब एहसास हुआ कि मैं तो लकीएस्ट हूं। सुनीता की बातें सुनकर मिसेस कुमार बोलती हैं, सुरेश वैसे तो मेरा बोलना ठीक नहीं, मगर हम औरतें घर पर रहती हैं, घर और बच्चों की परवरिश में अपना सब कुछ निछावर कर देती हैं, इसकी ना तो हमें कोई तनख्वाह मिलती है और ना ही कोई अप्रिसिएशन लेटर, हमें चाहिए भी नहीं सुरेश। मगर इन सब के बदले अगर सामने वाला प्यार और रिस्पेक्ट दे दे तो वही हमारी कमाई है। ये पकौड़े तुम भी नहीं खा सकते सुरेश, मगर सुनीता इनका मजाक नहीं बना रही, और तुम, खैर आगे मैं क्या बोलूं, तुम समझदार हो। सिर्फ एक चटनी के लिए अपने दोस्तों के आगे करी बेइज्जती आज सुरेश को उसकी ही नजरों में गिरा रही थी। सबके जाने के बाद उसने सुनीता से माफी मांगी और सुनीता ने माफी में उसे गले से लगा लिया। दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे घर की औरतें घर पर रहकर करती क्या हैं, उनके त्याग और बलिदान को उनका फर्ज बताकर निकल जाते हैं, जो कि एकदम गलत है। ये हमारा घर संभालती हैं, तभी तो हम निश्चिंत होकर काम कर पाते हैं। एक दूसरे से प्यार करें, मगर पहले एक दूसरे की इज्जत करें। इस बात पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। मैं सौरभ राज जैन जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर।
बस आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।